की न्यूज़ शेयर सच का साथ। सुबह की खबर बलरामपुर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर प्लाईवुड फैक्ट्री के जहां पर वायरल में भीषण धमाका और एक मजदूर की हुई मौके पर दर्दनाक मौत। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। बलरामपुर से सबकी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्लाईवुड फैक्ट्री के बालर में भीषण धमाका हुआ है, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई है और एक मजदूर घायल हुआ है। दरअसल पूरा मामला बलरामपुर के पचपेड़वा थाना क्षेत्र के माधवनगर के सेमरहना का है, जहां पर प्लाईवुड फैक्ट्री के बॉयलर में मंगलवार सुबह अचानक विस्फोट हो गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा अन्य मजदूर की स्थिति नाजुक बनी है। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना के बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद बलरामपुर के थाना पचपेड़वा के एक ग्राम में माधवनगर सेमरहना में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में आज सुबह बॉयलर के फटने से एक दुर्घटना हो गई। इस बॉयलर के फटने में प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने वाले दो जो श्रमिक थे, एक गंगाराम और एक हारून, ये दोनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों को तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया तो अस्पताल में गंगाराम की मृत्यु हो गई और जो दूसरा श्रमिक है हारून, उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। इस प्रकरण में पुलिस ने पूरी छानबीन करके आगे कार्रवाई की है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया इसमें आगे की जा रही है और आगे विधिक कार्रवाई जारी रहेगी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन